हे गाइस, तो आज हमारे पास है यामा की एक पावरफुल मशीन यामा R15M। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी का आज हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं और आपको भी बताने वाले हैं कि इसका आपको प्राइस क्या है, इसमें आपको माइलेज कितना अच्छा देखने को मिल जाएगा और साथ साथ R15 वर्जन 4 से इसमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप किसी भी यामाहा प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से शुरुआत किया जाए तो इसका फ्रंट लुक देख पाएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रखा गया है और बहुत ही ज़्यादा आपको शार्प लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो R15M का आपको स्टिकर मिल जाएगा, इस जगह पे आप अपना नंबर प्लेट लगा पाएंगे और जो मिरर मिलता है वो आपको रेसिंग डिज़ाइन में दिया गया है। फ्रंट में आपको ट्रांसपेरेंट विंड सील्स देखने को मिलेगा और ये आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा। ये जो R15M आता है मात्र आपको सिंगल कलर में ही देखने को मिलेगा जो कि आप सामने देख पाएंगे। नीचे की ओर देखें तो दोनों साइड आपको LED में DRL लाइट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको वर्जन 3 से अंतर देखने को मिलेगा बट वर्जन 4 के जैसा ही देखने को मिलेगा। इस जगह में यहाँ पे आपको LED में प्रोजेक्टर लाइट दिया गया है। इस जगह पे आपको माइनर सा स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। इसके नीचे की ओर देखें जो कि आपको मडगार्ड यहाँ पे आपको नीचे की ओर आया हुआ है और यहाँ पे आपको ABS का स्टिकर मिल जाएगा। इस बाइक में आपको फ्रंट में USD फोक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको गोल्डन कलर का ही दिया गया है जिससे लुक आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो आपको इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। फ्रंट टायर की ओर देखा जाए तो फ्रंट टायर आपको 100/80 सेक्शन का मिलता है। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिल जाएंगे और ए टायर आपको MRF कंपनी की तरफ से आता है और इसका आप अलॉय व्हील का देख सकते हैं कलर जो कि आपको ब्लू कलर में मिलने वाला है। फ्रंट डिस्क आपको 282mm का दिया गया है और इसमें आपको सेफ्टी के अनुसार से देखा जाए तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देखें तो आपको बाइब्री का ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे। अगर इसके साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो इसका आप साइड प्रोफाइल देख पाएंगे जो कि आपको ये टोटली फेयरिंग बाइक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि R15M का आपको स्टिकर मिल जाएगा। इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है जिसका कि आपको स्टिकर यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें आपको अभी भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। इसका जो फेयरिंग है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फेयरिंग मिलता है जिससे इसका जो इंजन है वो आपको टोटली कवर्ड हो जाता है। नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको यामाहा का आपको स्टिकर मिल जाता है। इसकी टैंक की ओर देखें तो इसमें आपको 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा और यहाँ पे आप देखें जो कि आपको यामाहा का लोगो मिलेगा जो कि आपको क्रोम टच में ही मिलने वाला है। ये आपका एयर का वेंट्स दिया गया है और यहाँ पे आप देखें तो R15M का आपको ब्रांडिंग मिलेगा जो कि यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश दिया गया है। ये आप देखें तो आपको पेट्रोल नॉब्स, इसमें आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा जिसका कि आपको यहाँ पे स्टिकर दिया जाता है। बीच में ये आपको टोटली ब्लैक कलर में ही मिलेंगे और दोनों साइड आप देख सकते हैं जो कि आपको सिल्वर कलर में दिया गया है। सीट की ओर देखें तो आपको स्प्लिट में सीट मिलेगा और ये सीट आपको कार्बन टच के साथ दिया गया है और यहाँ पे देखें तो R15M का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा और इस जगह से आप इस सीट को ओपन कर सकते हैं। इसका यहाँ पे आपको की का ऑप्शन दिया गया है। इस जगह पे आप कुछ भी दबा सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको एक बेल्ट टाइप से दिया गया है। सीट काउल की ओर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VVA का आपको स्टिकर मिल जाएगा। वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन जो मिलता है इसके मीटर कंसोल में उसका आपको स्टिकर यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। इस साइड से देखें तो इसका एग्जॉस्ट देख पाएंगे। एग्जॉस्ट के ऊपर में यहाँ पे आपको हीट शील्ड भी देखने को मिलता है बट आपको एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो आपको टोटली सिमिलर ही मिलने वाले हैं। रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि शायद आपको येल्लो कलर में दिख रहा होगा। ये आपका पिलियन का फुटरेस्ट, ये आपका राइडर का फुटरेस्ट दिया गया जो कि आपको मेटल में ही मिलेंगे। और रियर सेक्शन की ओर देखें तो रियर टायर इसका आपको 140mm का दिया गया है जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे और इसका भी डिज़ाइन देखें जो कि आपको ब्लू कलर में इसका अलॉय व्हील मिल जाएगा। ये आपका टायर हगर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको ऑटो विंग्स यामाहा का आपको यहाँ पे स्टिकर दिया गया जो कि आपको शोरूम वाले ने लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे और यहाँ पे आप देखें तो आपको हेलोजन बल्ब का भी ऑप्शन मिलेगा। ऊपर की ओर देखें तो आपको LED में टेल लाइट्स मिलेगा जो कि आपको वर्जन 3 और वर्जन 4 में आपको सेम मिलने वाला है। इस साइड से आप देखें तो यहाँ पे आपको सारी गार पहले से ही मिल जाता है बट लेडीज़ फुटरेस्ट आपको बाहर से लगाने पड़ जाएंगे। देखा जाए तो ये आपको लेडीज़ के लिए नहीं बनाया गया तो अदरवाइज़ आप लेडीज़ फुटरेस्ट ना ही लगाएं तो बेटर है। इसका चेन आपको टोटली ओपन मिलता है जिससे कि आपको लुब्रिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ये आप देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे अल्मीनियम स्विंग आर्म का ऑप्शन मिल जाता है। इस बाइक में आपको 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा जिसका कि आप यहाँ पे पैटर्न्स देख पाएंगे। इसमें आपको सिंगल स्टैंड ही मिलेंगे और साइड स्टैंड में आप देखें जो कि आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर भी दिया गया है। अगर इसके मीटर कंसोल की ओर देखा जाए
तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। उससे पहले आप इसका क्लिप ऑन हैंडल बार देखेंगे और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का टच दिया गया है और यहाँ पे भी आप देखें तो R15M का आपको यहाँ पे भी आपको स्टिकर मिल जाता है, जिससे कि इसका लुक आपको अच्छा निकल के आएगा। स्विच गियर क्वालिटी की ओर देखें तो ये आपका लो बीम, ये आपका हाई बीम का स्विच और यहीं पे आपको पासिंग का स्विच दिया गया है। कहीं भी आपको रफ एजेस नहीं देखने को मिलेंगे और स्विच गियर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा मिलने वाला है। लेफ्ट टर्न, ये आपका राइट टर्न्स का स्विच और इसमें आपको हज़ार लाइट का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसका कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका हॉर्न का ऑप्शन दिया गया है, आपको डुअल हॉर्न मिलता है, आपको साउंड बहुत ही अच्छा मिलेगा। यहाँ से आप इंजन को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप इंजन को ऑन कर सकते हैं और यहीं से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। ये आपका हज़ार लाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है और नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको इन्फो का स्विच मिलता है, जहाँ से कि आप इसके मीटर कंसोल को टॉगल कर पाएंगे। अब हम लोग इसके मीटर कंसोल की ओर देखें तो आपको फुल्ली डिजिटल में मीटर कंसोल मिलता है। ये आपका टैकोमीटर दिया गया जो कि आप देखें तो 12,000 RPM पे ये आपका रेड लाइनिंग करता है। ऊपर में देखें तो आपको डिजिटल में क्लॉक दिखाने वाला है, इधर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाने वाला है। इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपको स्ट्रीट मोड और ये आपको एक ट्रैक मोड का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो ऑन है वो आपको यहाँ पे बता देगा। ये आपका ओडोमीटर का दिया गया है, ये आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है और इधर आप देखें तो आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप इसके इन्फो स्विच को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपको कूलेंट का क्या डिग्री टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये आपका ट्रैक मोड हो गया, साथ साथ यहाँ पे आपको एवरेज क्या स्पीड है वो आपको दिखाने वाला है और यहाँ पे आप देखें तो एवरेज का आपको माइलेज क्या दे रही वो भी आपको साथ साथ बता देगा। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है वो आपको दिखाएगा और बैटरी आपका कितना वोल्ट चार्ज है वो भी आपको यहाँ पे साथ साथ दिखाने वाला है और कूलेंट का मैंने आपको बता दिया कि क्या आपका टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो इतना कुछ इसमें आपको फीचर्स मिलेगा और ऊपर की ओर देखें तो ये आपका VVA टेक्नोलॉजी का इंडिकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। इधर आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिए गए, ABS वार्निंग लाइट्स, ये लेफ्ट टर्न और राइट टर्न्स का इंडिकेशन और यहाँ पे आपको लो बीम और आपको हाई बीम का इंडिकेशन मिल जाएगा। ये आपका न्यूट्रल इंडिकेशन और यहाँ पे आप देखें तो इंजन मन फंक्शन का इंडिकेशन दिया गया है और इधर भी आपको कुछ इंडिकेशन दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको मैसेज का इंडिकेशन, आपको कॉल का इंडिकेशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर का इंडिकेशन वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। जब भी आप इसके मीटर कंसोल को अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे उस वक्त ये आपका इंडिकेट करने लगेगा। जब भी आपके फ़ोन में कोई कॉल आता है या फिर SMS आता है उस वक्त आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा। तो फीचर लोडेड आपको मीटर कंसोल मिलता है, आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके मीटर कंसोल में। अगर इसके माइलेज की ओर देखा जाए तो माइलेज अप्रॉक्स इसमें आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से मिलेगा अगर आप इसे इकोनॉमी जोन में राइड करते हैं तो। अगर इसके इंजन की ओर देखा जाए तो इंजन आपको टोटली कवर्ड मिलता है इसके फेयरिंग की वजह से, जो कि इसमें आपको इंजन 155 cc का देखने को मिलेगा, जो कि आपको 18.4 PS का पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। आपको पावर एंड टॉर्क में भी कहीं भी लैग नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइज ये हो गया इस बाइक का आपका डिटेल्ड रिव्यू, मैंने जो भी था वो आपको मैंने इस डिटेल्ड रिव्यू में आपको हर एक कुछ मैंने बता दिया है। अब हम लोग इसके प्राइस की ओर देखा जाए तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है हमारे सिटी शोरूम रांची में जो कि आपको 2,28,000 rupees रखा गया है। इसके कलर ऑप्शन की ओर देखा जाए तो इसमें आपको सिंगल कलर ही देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सिल्वर और ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।